हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम शारदा प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट, भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज का टॉपिक है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का है, न्यूमेरिकल ऑन एस्टिमेशन इन वेल्डिंग शॉप। वेल्डिंग शॉप से रिलेटेड हमको न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन है, अ ओपन टैंक ऑफ साइज शोन इन फिगर इज टू बी फैब्रिकेटेड फ्रॉम MSSTEEL ऑफ 5 mm थिकनेस। एस्टिमेट द प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ टैंक फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा इफ नो मटेरियल इज वेस्टेड। फर्स्ट, ओनली वन सिंगल ग्रूव ज्वाइंट टू बी मेड ऑन अ वर्टिकल साइड। ग्रूव ज्वाइंट होगा वर्टिकल साइड में। द बेस ज्वाइंट आर वेल्डिंग। कॉस्ट ऑफ MSSTEEL 12.25 पर kg। डेंसिटी ऑफ MSSTEEL 8 ग्राम पर cc। कॉस्ट ऑफ वेल्डिंग मटेरियल 5 per meter ऑफ वेल्ड। लेबर कॉस्ट 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट और ओवरहेड एक्सपेंसेस 40% ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो इतनी सारी चीज़ें पूरे डाटा हमको दी हुई है और हमको ओपन टैंक बनाना। सपोज ये हमारा टैंक है तो ये एक साइड में क्या होगा, ग्रूव मटेरियल का करना है और ये ऊपर से क्या होगा, ओपन होगा। तो ये हमको एक टैंक तैयार करना है वेल्डिंग कर दिए। तो हमको सब चीज़ डाटा दिया हुआ है, उस डाटे से हम आगे देखते हैं। पहले डायग्राम बना लेते हैं। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था ओनली वन साइड ग्रूव ज्वाइंट टू बी मेड और वर्टिकल साइड। वन साइड वर्टिकल, वन साइड का आपका ग्रूव दिया हुआ सिंगल ग्रूव ज्वाइंट। तो सबसे पहले निकालेंगे फॉर सिंगल ग्रूव ज्वाइंट द अलाउंस ऑन ईस्ट साइड। ईस्ट साइड का हमको निकालना है। तो टोटल कितना साइड है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, टोटल 5 इंटू थिकनेस ऑफ सीट। टोटल हमारे पास 5 साइड है वर्टिकल टोटल। तो 5 इंटू 5 mm यानी कितना है, 25 mm आएगा अलाउंस फॉर ईस्ट साइड। अब आगे चलते हैं, देखते हैं टोटल अलाउंस ऑन द बोथ साइड। हमको अलाउंस देखना है, टोटल देखना है बोथ साइड में। तो 2 इंटू 25, ये तो सिंगल हुआ था ईस्ट साइड का। तो हमको बोथ कितने दोनों साइड का निकालना है। तो 2 इंटू 25 कितना आएगा, 50 mm। अब उसको चेंज कर लेंगे तो किसमें आएगा, 5 cm। अब एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर अलाउंस, क्वेश्चन में दिया हुआ था हमको एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर अलाउंस। अब एरिया ऑफ सीट निकालेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा और थिकनेस कितना था 5। तो कितना आएगा, 5 इंटू 80 टोटल आएगा, 5 आएगा हमारे पास अलाउंस और 80 टोटल कितना आएगा, 400 cm². अब इसी के आगे देखेंगे टोटल सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग टैंक। टैंक बनाने के लिए हमको कितनी सीट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ये हमको टैंक बनाना है तो ये साइड का सीट ज़रूरत पड़ेगा, इधर का, इधर का, टोटल। ऊपर साइड तो हमारा ओपन है। तो देखते जाते हैं, तो सबसे पहले 2 इंटू 80 इंटू 40 है हमारा 40 है। तो ये साइड एरिया निकलेगा तो सेम इसके बैक साइड वाला भी एरिया होगा। जैसे ये हमारा टैंक है तो हम इसका एरिया निकालेंगे तो जस्ट इसके पीछे का एरिया भी होगा सेम या एरिया भी। तो टोटल कितना है, 2 इंटू 80 इंटू 40, ये एक साइड का होगा। फिर सेम ये हमारा कितना 20 है और ये कितना हमारा 80। सपोज ये हमारा टैंक है तो ये हमारा 20 है और ये हमारा 80 है। तो ये एक एरिया हुआ सेम। दूसरी तरफ का ये हमारा 20 है और ये हमारा 80 है तो ये भी हमारा सेम एरिया हुआ। तो कितना आएगा, 2 इंटू 80 इंटू 20। अब नीचे का ये तो 40 इंटू 20 और उसके बाद अलाउंस का हम निकालेंगे। हमको अलाउंस कितना जरूरत पड़ा था, 400 cm² तो प्लस 400 तो पूरा कैलकुलेट करेंगे तब हमारे पास आएगा 1080 10,800 cm² आएगा। यानी टोटल एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड मेकिंग के लिए हमको 10,800 सेंटीमीटर आएगा
मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। अब वॉल्यूम ऑफ शीट निकालो, वॉल्यूम के लिए क्या होगा, हमारे पास एरिया तो निकल गया, अब उसका क्या होगा, थिकनेस दिया हुआ, थिकनेस कितना दिया हुआ है, 5 mm दिया हुआ था, 5 mm को चेंज कर लेंगे तो 10,800 × 0.5 cm में तो कितना आएगा, 5,400 cm की पावर क्यूब, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर की पावर क्यूब। अब वेट ऑफ शीट रिक्वायर्ड, वेट ऑफ शीट निकाल रहे हैं तो 5,400 हमारा क्या निकला, वॉल्यूम निकला है, तो उसको चेंज कर लेंगे, 8 ग्राम क्वेश्चन में हमको दिया होता डेंसिटी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो हम उसको चेंज कर लेंगे 8/1000 में, क्योंकि हमको आंसर किस में लेना है, केजी में, तो 1000 का डिवाइड किए 5 4 तो कितना है 43.2 kg, ये हमारा हुआ। अब अगला आएगा क्वेश्चन में हमको दिया था कॉस्ट ऑफ माइल्ड स्टील शीट 12.25 per kg, तो कॉस्ट ऑफ शीट पर के जी निकालना है, तो हमारे पास वेट ऑफ शीट आ गया, टोटल शीट और पर के जी कितना 12.25, तो पर के जी का 2.5, तो 43.2 kg का कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 529.20 रुपये 529.20 रुपीज जरूरत पड़ेगा। अब आगे देखेंगे वेल्डिंग ऑफ लेंथ, वेल्डिंग ऑफ लेंथ निकालना है 40 × 20, इधर भी 40 × 20 नीचे का बेस का, तो बेस का हमको ये 20 है, ये 40 है, ये 20 है, दो बार है, तो कितना है हमारा 120 cm आया नीचे का, जो हमको बेस का कितना है 40 × 20 करना है तो कितना है 1.2 मीटर। यहाँ का क्वेश्चन होगा, आगे देखेंगे हमको अब निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया था वेल्डिंग मटेरियल कॉस्ट एट द रेट 5 rupees per meter ऑफ वेल्ड, क्वेश्चन में दिया हुआ था कॉस्ट ऑफ वेल्डिंग मटेरियल 5 meter एट द रेट ऑफ वेल्ड, तो पहले निकला था 1.2 meter, हमारा ये पूरा कितना निकला था 1.2 meter, उसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, क्योंकि 1 meter का कितना ले रहा है वो 5 rupees, तो 1.2 meter का कितना ले रहा है वो देखेंगे, तो कितना आ रहा है 6 rupees आ रहा है, 6 rupees आ रहा है, ठीक। अब आगे आएगा टोटल मटेरियल कॉस्ट, तो टोटल मटेरियल कॉस्ट निकालने का है फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ एमएस स्टील प्लस कॉस्ट ऑफ वेल्डिंग मटेरियल, यानी एमएस स्टील और कॉस्ट ऑफ वेल्डिंग मटेरियल का दोनों को ऐड करेंगे तब हमारा निकलेगा टोटल कॉस्ट मटेरियल, तो दोनों का ऐड करेंगे, पहले निकालेंगे तो 529.20 + 6 तो कितना है 530.20। अब आगे लेबर कॉस्ट ऑफ 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, तो लेबर कॉस्ट है क्वेश्चन में दिया होता है हमको, लेबर कॉस्ट दिया हुआ 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, तो लेबर कॉस्ट 535.20 प्लस 20 को किसमें चेंज करने के परसेंटेज पर टाइम है तो कितना आएगा 107.04, यानी 107.04 रुपीज रहेगा, तो प्राइम कॉस्ट होता है मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट, तो मटेरियल कॉस्ट तो निकल चुका है हमारा, तो हमको लेबर कॉस्ट भी निकल चुका है, तो दोनों का ऐड करेंगे 533.20 + 107.04 तो कितना आएगा 642.24, 642.24 उसका प्राइम कॉस्ट होगा। अब आगे क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन में दिया था ओवरहेड आर 40% ऑफ प्राइम कॉस्ट, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो ओवरहेड कितना है हमारा 600 निकला था प्लस 40, तो कितना है उसका हमारा 256.90। अब प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना है, तो प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट कैसे होगा, प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट आया था हमारा पहले निकाले थे, प्राइम कॉस्ट आया था 642.24 और यह आया था 256.90, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 899.14 रुपीस आएगा, तो
एक प्रोडक्शन कॉस्ट है कितना आ रहा है, 899.14 रुपीस आ रहा है, ये टोटल टैंक बनाने का खर्चा। तो इस तरीके से टैंक वाला क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है और टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हमका हमारा टैंक का निकालना पड़ता है। थैंक यू।